हे गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ रियलमी 6i और रियलमी 6 के डिस्प्ले के बारे में। गाइस दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोनों में 90 हर्ट्ज वाला स्मूथ डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। तो गाइस दोनों का डिस्प्ले को आज हम करने वाले हैं कंपेयर। दोनों में कुछ वीडियोज़ प्ले करके देखेंगे, कुछ मैंने फुटेज आउटडोर में यानी तेज़ धूप में भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की है ताकि आपको बता पाऊँ कि किसका डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइटर है, आउटडोर विजिबिलिटी किस में आपको बेटर होने वाली है और किसका डिस्प्ले ज़्यादा सुंदर दिखता है। मैंने ऑलरेडी बैटरी ड्रेन टेस्ट, हीटिंग, चार्जिंग स्पीड टेस्ट दोनों स्मार्टफोन का कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने गाइस दोनों स्मार्टफोन के कैमरे से भी कुछ शॉट लिया है आज एंड मेरा कुछ हद तक आइडिया क्लियर हो गया है कि किसका कैमरा ज़्यादा इंप्रेसिव है। लेकिन कुछ और सेल्फीज और कुछ नाइट शॉट्स लेने के बाद मैं डिटेल में दोनों स्मार्टफोन का कैमरा रिव्यू कर दूंगा। तो गाइस सबसे पहले आज हम बात करते हैं मूवी एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस 1080p वीडियोस प्ले करके देखा, दोनों स्मार्टफोन में अलग अलग वीडियोस देखा और दोनों में मुझे एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस हुआ। कलर्स, शार्पनेस, डिटेलिंग ऑलमोस्ट आपको बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा। कई बार मैंने देखा है कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है ना 6 महीने बाद फिर से उसका प्रोडक्शन जो है फिर से कंपनी करती है तो कई बार डिस्प्ले में हल्का सा चेंज देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग मॉडल है, यानी एक है रियलमी 6i और दूसरा है रियलमी 6, लेकिन कलर्स के मामले में, शार्पनेस के मामले में आपको एकदम सेम एक्सपीरियंस होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ को प्ले करके देखा, ग्रास, स्काई वगैरह सारा डिटेल मुझे दोनों में एक जैसा ही लगा। कलर्स भी ऑलमोस्ट दोनों में सेम लगे। गाइस मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा नेचुरल कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों का डिस्प्ले थोड़ा सा वाइब्रेंट है जो कि एक्चुअली आपको बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो देखने में दोनों स्मार्टफोन में आपको मज़ा आएगा। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ब्राइटनेस। गाइस दोनों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस लेवल भी एकदम सेम लगा। पहले मुझे जब मैंने दोनों फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट किया था ना तो जब अलग अलग एंगल से देख रहा था तो मुझे लगा था कि शायद रियलमी 6 जो है वो ज़्यादा ब्राइट है एंड कलर में भी थोड़ा सा मुझे डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे इनिशियली लगा था। लेकिन जब मैंने कल से दोनों फ़ोन को साइड बाय साइड यूज़ करना शुरू किया और दोनों में बहुत सारे वीडियोज़ देखे तो मुझे ऐसा लगा यार दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब देख सकते हो दोनों स्मार्टफोन आपके सामने, अगर मैं आपको नहीं बताऊं कि कौन सा रियलमी 6i है कौन सा रियलमी 6 है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। दोनों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस लेवल अभी मैंने फुल कर दिया है और अब मैं दोनों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस लेवल 50% कर देता हूं। ये आप देख सकते हो दोनों में मैंने 50% ब्राइटनेस कर दिया है एंड अभी आपको दोनों में एक जैसा ही डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक ब्राइटनेस की बात करूँ ना तो इंडोर में आपको ब्राइटनेस को लेकर कोई भी कंप्लेंट नहीं होगा। गेम खेलते वक्त, वीडियोस देखते वक्त आप बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करोगे। आप देख सकते हो फुल ब्राइट डिस्प्ले है दोनों का और काफ़ी अच्छा लग रहा है, दोनों का डिस्प्ले ब्राइटर लग रहा है। लेकिन गाइज आउटडोर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब रियलमी 6 का रिव्यू किया था तो उस वक्त भी बताया था कि आउटडोर में यानी तेज़ धूप में बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लगता डिस्प्ले, उस वक्त आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल करना पड़ेगा तभी जाकर आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस होगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये एक दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले नहीं है दोनों स्मार्टफोन का। लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइटर नहीं है आउटडोर के मामले में एंड वी एंगल जो है ना दोनों स्मार्टफोन का एवरेज कहूँगा। गाइस वैसे व्यूइंग एंगल जो है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, इससे ज़्यादा मैटर करता है ब्राइटर डिस्प्ले। लेकिन व्यूइंग एंगल जो है दोनों स्मार्टफोन का ओके है, आप देख सकते हो। अगर आप इसे तेज़ धूप में, आउटडोर में अगर किसी एंगल से देखते हो ना डिस्प्ले में तो आपको कुछ भी डिस्प्ले में नहीं दिखेगा, तो आपको डिस्प्ले जो है बिल्कुल फ्रंट से देखना पड़ेगा, यानी किसी एंगल से आप डिस्प्ले में कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो ये एक दिक्कत है जो कि आप इजीली इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सारा डिटेल बता देना। एंड गाइज अब दोनों स्मार्टफोन में हम कुछ म्यूजिक प्ले करके देखते हैं दोनों का स्पीकर जो है कैसा है। ओके गाइज तो वॉल्यूम को मैंने कर दिया है फुल एंड पहले मैं रियलमी 6i में प्ले करता हूँ। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
अब गाइज रियलमी 6 till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. At Android, we believe in bringing you features that truly help. Earthquakes are an issue for millions of people around the world, which is why we're investing in earthquake detections worldwide and earthquake alerts in California. At Android, we believe in bringing you features that truly help. Earthquakes are an issue for millions of people around the world, which is why we're investing in earthquake detections worldwide and earthquake alerts in California. म्यूजिक का एक्सपीरियंस भी लगभग आपको सेम होने वाला है. आउटपुट जो है काफ़ी, अगर लाउडनेस की बात करूँ, वॉल्यूम की बात करूँ, तो दोनों में काफ़ी सिमिलर है. लेकिन क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे रियलमी 6 थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा. शायद इसे लॉन्च हुए काफ़ी समय हो गया है, तो थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज किया गया है साउंड को. बाकी आपको काफ़ी सिमिलर एक्सपीरियंस होगा, लेकिन रियलमी 6 थोड़ा सा बेटर लगा. डेप्थ ज़्यादा लगा मुझे म्यूज़िक में. डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम टू सेम, स्पीकर ऑलमोस्ट सेम टू सेम, बैटरी लाइफ भी आपको लगभग दोनों में सेम देखने को मिलेगा. बैटरी ड्रॉप का मैंने एक छोटा सा टेस्ट किया था पबजी खेलकर, तो दोनों में सेम ही एक्सपीरियंस हुआ था. हीटिंग की बात करूँ, टेम्परेचर की बात करूँ, तो दोनों में आपको सेम एक्सपीरियंस होगा. एंड चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो केवल 10 मिनट का मुझे दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस देखने को मिला है, रियलमी 6 से रियलमी 6 आई ने. रियलमी 6 ने 1 घंटा 6 मिनट के आसपास लिया था और रियलमी 6 आई ने 1 घंटा 16 मिनट के आसपास, यानी 10 मिनट का दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस देखने को मिला चार्जिंग स्पीड की अगर बात करूँ तो. अब बच गया गाइस कैमरा. तो कैमरा में डेफिनेटली रियलमी 6 में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसे आप ज़्यादा बेटर शॉट ले सकते हो. लेकिन रियलमी 6 आई इस मामले में भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा. मैंने दोनों के कुछ फोटोज़ को चेक किया, तो कुछ फोटोज़ मुझे रियलमी 6 आई का भी बेटर लगा. लेकिन गाइज ओवरऑल मुझे रियलमी 6 का जो 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो ज़्यादा अच्छा लगा. लेकिन कुछ और शॉट लेने के बाद तभी मैं डिटेल में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ. अगर आप लोगों को ये वॉलपेपर अच्छा लगा ना, तो आपको जेज जो वॉलपेपर ऐप है उसमें सर्च करना है iOS 14 और आपको ये वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा. ओके, ये आप देख सकते हो iOS 14 और वॉलपेपर का नाम भी iOS 14 है. ओके गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.